मैं पीटीआई के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं इस बमहाग इलाके जिस इलाका में मैं रहता हूं, ये इलाका बहुत दूर दराज है, बेगबर्ड है, यहां कोई आज तक तरक्की नहीं हुई है और पूरे हमारे इस इलाका को 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में बांटा है शहरी लीडरों ने, कॉन्स्टिट्यूंसी चनैनी, कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर और कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी, जिस कारण जहाँ कोई ना तरक्की हुई, जहाँ आज तक ना कोई रोड बने हैं, अच्छे से ही रोड नहीं बने हैं, जो बने हैं सुनने में आया है पंचायत तक नेशनल हाईवे है, कई सालों का रिकॉर्ड में बना दिया है लेकिन वहाँ अभी तक कोई रोड नहीं है। नेशनल हाईवे कहाँ रोड है, क्या हालत है हमारे रोडों, जहाँ गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं, अभी तक लुक नहीं पड़ी है, ब्लैक ड्राफ नहीं हुआ है कई साल हो गए। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बारी है। कल बड़े धन्यवाद करता हूँ मैं इस इलाके के लोगों को, जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो BDC हैं, DDC हैं, हमारे चेयरमैन रियासी के जो हैं, चेयरमैन उधमपुर के हैं, ये सब कमीशन के पास गए थे और कमीशन ने ये बात मान ली है कि हमारी एक हिली कॉन्स्टिट्यूंसी है जो त्रिकुटा लांद्र भवा के नाम से हमें दी जाए, क्योंकि ये हिली एरिया जो हमारा है ये बहुत बैकवर्ड एरिया है, जहाँ कोई ना तरक्की हुई है, जहाँ के जो लीडर बनते हैं, MLA बनते हैं, वो उधमपुर या रियासी के बनते हैं और उन्होंने आज तक इस इलाके में कोई तरक्की नहीं कराई है। तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, हम बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि हमें इस इलाका में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है त्रिपुरा लांद्र बहुआ के नाम से हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, जिसमें हमारे ये पूरा ये बैकवर्ड एरिया सब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, दोबारा धन्यवाद करता हूँ सब रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, हमारे चेयरमैन हैं, DDC हैं, BDC हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।